बिग बॉस सीजन 14 में राखी सावंत ने एक प्लॉट चलाया है। अभिनव शुक्ला उन्हें पसंद थे। नॉर्मल उनका स्टार्टिंग में यही था कि अभिनव काफ़ी अच्छे हैं, वो उन्हें पसंद करती हैं, उनके दोस्त हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका ट्रैक चेंज हुआ। वो कहने लगी कि मुझे ना सिर्फ वो पसंद है, अब मुझे उनसे प्यार हो गया है। साथ ही उन्होंने तो ये भी कहा कि इन फ्यूचर जब हम बाहर जाएंगे तो मैं अभिनव को बोलूँगी भी कि IVF से हम बच्चा कर लेते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। राखी सावंत ओवर द टॉप चीज़ें किए जा रही हैं। अब ऐसे में राखी सावंत ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने किया ये है कि आई लव यू अभिनव करके रेड लिपस्टिक से अपनी पूरी बॉडी पर लिखा है, जो वाकई में बहुत गलत नज़र आ रहा है। घर वालों ने इस चीज़ को लेकर उन्हें कहा भी, राखी कर क्या रही हो आप, ये बहुत गलत है। रुबीना और अभिनव भी उनको समझाते नजर आए कि राखी, अगर आपको ये लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट का तरीका है तो बहुत गलत जा रही हैं आप, क्योंकि आप अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा चोटिल कर रही हैं। ये आपके लिए, आपकी इमेज के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन राखी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अभिनव पसंद है और ये मेरी बॉडी है, मैं जो चाहे वो करूँ। अर्शी ने कहा कि राखी, तुम ये अभिनव को पाने के लिए कर रही हो, लेकिन ये जो तुम्हारा तरीका है इससे अभिनव तुम्हारे पास नहीं आएगा, बल्कि तुम अभिनव को अपने आप से दूर कर रही हो। राखी ने कहा कि कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे अभिनव से दूर कर सके। मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दी है, जिससे अभिनव परेशान दिखे, इरिटेट दिखाई दिए। तो वहीं इस पर रुबीना ने भी अभिनव को सख्ती से कहा है कि अब तुम राखी सावंत को किसी भी तरीके की ढील नहीं दोगे, उन्हें कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं और अब तुम्हें इन सब चीज़ों पर फुल स्टॉप लगाना होगा। आपका इस पर क्या विचार है, क्या है आपका रुख, हमें नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दूसरी खबरों अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर, कटलेस, अनसीन, अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।